नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय स्थानांतरण के विरोध में बंद को मिला भारी जन समर्थन। 7 वर्षों से राजसमंद में संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को नाथद द्वारा स्थानांतरित किए जाने के विरोध में राजसमंद नगरी क्षेत्र में आधे दिन का बंद भारी जन समर्थन से पूर्ण सफल रहा। भाजपा कार्यकर्ता सवेर से ही टोलियां बनाकर जनता से बंद को सफल बनाने की अपील करने निकल गए थे। क्षेत्र की विधायक दीप्ति के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में पुरानी कलेक्टर के सभा स्थल पर पहुंचे। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि पशु चिकित्सालय को राजसमंद से नाथ द्वारा ले जाने का निर्णय जन विरोधी, संवेदनहीन और अवैधानिक है। कांग्रेस के भीरू नेता राजसमंद के हितों पर हो रहे कुठाराघात के विरुद्ध बोलने के स्थान पर सरकार के अवैधानिक कदम का समर्थन कर रहे हैं। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि राजसमंद के हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के विकास कार्यों पर कांग्रेस नेताओं के भ्रामक बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे राजसमंद की जनता के दिलों में बसती है, उनके विकास कार्यों के लिए कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। राजसमंद के साथ सौतेला व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। सभा को पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, पूर्व प्रधान भानुर पालीवाल, पूर्व जिला महामंत्री सत्यनारायण पूर्बिया, मंडल अध्यक्ष सुभाष पालीवाल, दिग्विजय सिंह, मुकेश जोशी, उदयलाल अहिर, गणेश पालीवाल, पूर्व सभापति सुरेश पालीवाल, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, जगदीश पालीवाल, अपीरू मोर्चा जिला अध्यक्ष जवाहरलाल जाट, उप प्रमुख सोनी देवी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सविता सनाड्य, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मोहन कुमावत, एनिमल एंड के संयोजक घनश्याम सिंह आदि ने सभी ने संबोधित करते हुए राजसमंद से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय को हटाने पर भारी जन आंदोलन की चेतावनी दी। सभा स्थल से विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और नागरिकगण रैली के रूप में नारे लगाते हुए कलेक्ट्री पहुंचे। सभी लोग बड़े जोश और उत्साह से नारे लगा रहे थे। कलेक्ट्री पहुंचकर सभी धरने पर बैठ गए। जिला कलेक्टर के अवकाश पर होने के कारण अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बाहर आकर ज्ञापन लिया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने ज्ञापन का वाचन किया। विरोध प्रदर्शन में पूर्व सभापति महेश पालीवाल, अशोक राका, दिनेश पालीवाल, सरपंच अनिल जाट, अभिषेक जाट, पूरण जाट सहित सभी सरपंचगण, राजसमंद पंचायत समिति के सभी भाजपा सदस्य, जिला परिषद के भाजपा सदस्य, सभी मोर्चा के अध्यक्ष ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। राजसमंद बंद का जो आह्वान किया है, अभी ज्ञापन सौंप दिया, क्या प्रमुख मांग है जिसको लेकर आपने आज ये प्रदर्शन? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ये प्रदर्शन मेरा नहीं है, राजसमंद की जनता ने आज ये प्रदर्शन यहाँ पर करा है। और ये प्रदर्शन, ये आंदोलन इस बात का है कि जो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय पिछले 6 सालों से मंडा में चल रहा था, वो चिकित्सालय यहाँ से बंद कर नागवारा नाथुवास में लेकर जा रहा है। ये आंदोलन राजसमंद की जनता की एक पीड़ा है। ये पीड़ा ये है कि हमारे यहाँ से हर चीज छीन छीन कर नागवारा लेके जा रहे हैं, हर सुविधा वहाँ पर पहुँच गई। तो आज राजसमंद की पूरी जनता यहाँ पर उतरी और मैंने राजसमंद की जनता के साथ अपना ये विरोध प्रदर्शन करा। इस प्रदर्शन के बाद हमने आज ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को, और ये आशा रखते हैं कि वे हमारी बात सीएम साहब तक पहुँचाएंगे, हमारे कल्ला जी मिश्रा राज्यपाल साहब तक पहुँचाएंगे कि मुख्यालय, जिला मुख्यालय की जो सुविधाएं हैं वो यहीं पर रहनी चाहिए और वो कहीं भी और नहीं जानी चाहिए। आगे अगर वे बात नहीं सुनते तो ये तो सिर्फ हमारे संघर्ष की शुरुआत है। राजसमंद की जनता इस संघर्ष को आगे में नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अगर आंदोलन? नेक्स्ट स्टेप हम सब पूरी जनता मिलकर अगर यहाँ पर नहीं मानेंगे बात, तो हम लोग आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे जितने भी पशुपालक हैं, पशु प्रेमी हैं, उनका ये कहना है कि कलेक्टर में हम हमारी गायों को छोड़ेंगे और यहीं पर रखेंगे और फिर पता करेंगे कि कितना मुश्किल है गाँव से जिला मुख्यालय, जो केंद्र बिंदु है इस जिला का, वहाँ तक भी अपने पशुओं को लाना, हम किस प्रकार से उनको नागुवास ले जा सकते हैं अगर उनको कोई भी परेशानी हो, उनकी कोई भी तकलीफ हो। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।